हेलो हेलो यस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंडक्टिंग ई किस कंपटीशन ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। सो वी हैव सिक्स टीम्स, ईच टीम हैज टू पार्टिसिपेंट्स। फर्स्ट वी विल गो थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन वी विल स्टार्ट आवर कंपटीशन। So we have total six teams and two students are there from each team, and there will be four rounds. So after two rounds, two teams will be eliminated who have scored less marks. Then again we will conduct third round. In after that round again two teams will be eliminated. Then we will conduct two So there will be two teams. They will combat in fourth and fifth round, and the team who have score, who will score more marks, they will be the winner. So each question you will get 5 marks, and the most important thing, you will be given 10 seconds for answering the question. 10 seconds. So within 10 seconds, you have to give answer, correct answer. So we all know one team has two members. So even जो पहले member गलत answer दे दिया तब भी दूसरा member सही answer दे सकता है, लेकिन वो 10 सेकेंड के अंदर देना है, ठीक है। तो मतलब आपका team member अगर सही गलत answer दे दिया तब भी आप सही answer दे सकता है, but वो 10 सेकेंड के अंदर होना चाहिए। अगर 10 सेकेंड के बाद आप आंसर देंगे तो जिस आंसर हमको मिला है उसको हम फाइनलाइज कर देंगे, और हर क्वेश्चन को 5 मार्क मिलेगा, और पासिंग नहीं है इसमें। क्वेश्चन वॉन्ट बी पास्ड टू द नेक्स्ट टीम। सो इतना रूल आप अच्छा से कंसंट्रेशन करना कि 10 सेकंड है आपके पास। अगर आपका टीम मेंबर गलत आंसर दे दिया तो भी आप सही आंसर दे सकता है 10 सेकेंड के अंदर। और क्वेश्चन एक टीम से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो दूसरा टीम को पास नहीं करेंगे। ओके, सो और आप जब आंसर करता है आपका पूरा वीडियो जो है वो वीडियो ऑन होना चाहिए, और आपका फुल बॉडी शुड बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ द वीडियो, ठीक है। उस तरीके से बैठना कि आप पूरा तरीके से हमें विजिबल है। Then वही rules इसमें दिया हुआ है, student should be fully visible while answering। जब answer देता है वो fully visible होना चाहिए, video off नहीं होना चाहिए, camera should be on throughout the session। और जब answer देता है सारा लोगों को mic जो है वो mute रखिए आप लोग। जब answer करता है तब unmute करना, मतलब team वन, अभी मैं टीम वन को जब क्वेश्चन पूछेंगे बाकी सारा लोगों का ऑडियो वो ऑफ होना चाहिए। आपको समझ समझ में आ रहा है? ओके, यस सर। हेलो, जब मैं टीम वन से क्वेश्चन पूछेंगे तो वीडियो सबका ऑन रहेगा, लेकिन सबका माइक जो है वो म्यूट होना चाहिए, केवल टीम वन का माइक जो है वो अनम्यूट होना है। यस सर। क्या दिखाई? अभी सारा लोग अपना माइक जो है उसको म्यूट करिए। सो वन, वी आर स्टार्टिंग अवर किस कंपटीशन। फर्स्ट आई एम आस्किंग क्वेश्चंस टू टीम वन, निशा एंड पूजा जायसवाल। निशा एंड पूजा जायसवाल, अनम्यूट करिए, केवल सारा लोग माइक म्यूट करिए, केवल निशा एंड पूजा वो माइक को अनम्यूट करिए।
सो निशा एंड पूजा आप रेडी है ना? यस सर एक्चुअली सर देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम ड्यू टू दिस सर कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग सर. आप जहाँ अच्छे से नेटवर्क मिलता है वहाँ आप आके बैठना चाहिए ना, हम लोग जिस रूम में मिलता है वहाँ आके बैठता है. यस सर ठीक है आप रेडी है ना? सो माइक अनम्यूट है आपका, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर 10 सेकंड के अंदर देना है. ओके ओके सर. बाकी स्टूडेंट्स म्यूट रखिएगा अपना माइक. सो फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू टीम नंबर 1. Expand BFHI. Option A, Breastfeeding Hospital Initiative. Option B, Baby Friendly Hospital Initiative. Option C, Baby Friendly Health Initiative. Option D, Breastfeeding Health Initiative. Yes. आपका टाइम स्टार्ट नाउ, 10 सेकेंड के अंदर आंसर कर दीजिए. Expand BFHI. सर बी ऑप्शन बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव. ओके आप ऑप्शन बी बता रहा है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है ना? यस सर. तो देखेंगे आपका आंसर सही है गलत. बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव आपका आंसर जो है वो सही है. अभी आप आपका माइक जो है वो म्यूट करिए. टीम 1 प्लीज म्यूट योर माइक एंड टीम 2 आप आपका माइक अनम्यूट करिए. अंशु एंड श्रीदेवी, अंशु यादव एंड श्रीदेवी अपना माइक जो है वो अनम्यूट करिए. अंशु आप आप सुन रहे ना? हेलो ठीक है अंशु आपको 10 सेकंड मिलेगा आंसर करने में. ठीक है यू विल गेट 10 सेकंड्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन के लिए रेडी है ना टीम नंबर 2 अंशु एंड श्रीदेवी? हेलो हाँ बाकी सारा लोग म्यूट करिए और केवल अंशु अनम्यूट करिए. ठीक है तो अंशु ये क्वेश्चन देख लीजिए. Your question is, the protein of breast milk mostly contains A. casein, B. whey protein, C. lysozyme, D. lactose. Breast milk में mostly जो कंटेन प्रोटीन कौन सा है? कैसीन है, वे प्रोटीन, लाइसोसाइम, लैक्टोज. जल्दी आंसर बता दीजिए. आपका टाइम हो गया है 10 सेकंड के ऊपर गया. आप कौन सा आंसर कर दिया था? कैसीन. वैसे आपका 10 सेकंड हो चुका था इसलिए आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हम देख लेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है. और सारा ग्रुप मेंबर्स यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट, विद इन 10 सेकंड आप हमें आंसर देना है. 10 सेकंड के बाद अगर सही आंसर देंगे तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. सो इसका आंसर है वे प्रोटीन. सो आपका आंसर वैसे गलत था लेकिन सारा लोग जो है एक सारा पार्टिसिपेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट, यू शुड गिव आंसर विद इन 10 सेकेंड्स. इफ यू गिव आंसर आफ्टर 10 सेकेंड वी कैनॉट एक्सेप्ट दैट. ओके तो क्वेश्चन रीड करो, 10 सेकेंड के अंदर आंसर दे दीजिएगा. वैसे टीम सेकेंड का आंसर गलत था और लेट आंसर दिया था. सो बाकी आप टीम मेंबर्स इसको देख लीजिएगा. ठीक है सो नेक्स्ट टीम 3 एंटीमा एंड रोशनी. आप आपका म्यूट जो है ओके ओके आप रेडी है ना? इधर ही दुकान पे काणा बैठो.
आप रेडी है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, सो टी नंबर 3 आपके लिए क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी मिल्क ओपनिंग्स डस द एवरेज निप्पल हैव? एक निप्पल में कितना मिल्क ओपनिंग्स होंगे? सर बी। 152 सर बी। सर बी क्या है आंसर? सर बी। ऑप्शन बी। बी क्या है वो भी बता दीजिए। 5 to 10। 5 to 10। सो आपका आंसर ऑप्शन बी 5 to 10 है ना? यस सर। वो आंसर गलत। The right answer was option D. 15 to 20 opening will be presented. So, आपको भी answer wrong हो चुका है. अभी team 4, Shalini and Shambhavi. बाकी students mic को unmute रखिए. म्यूट रखिए और शालिनी एंड शंभवी माइक को म्यूट रखिए. शालिनी शंभवी आर यू हियरिंग मी? हेलो टीम 4, हेलो 4 शंभवी एंड शालिनी आर यू रेडी? शालिनी एंड शंभवी सुनाई दे रहा है? I think they are not able to hear. Shalini and Jyoti, Jyoti Mishra. Jyoti Mishra. Ma'am, actually, they are disconnected. Yes, ma'am. Ma'am, they are trying. Ma'am, team 4 are disconnected. Asim sir, waiting room ek bar check kariye. Shalini and Shambhavi. शालिनी और शंभवी सुनाई पड़ रहा है आपको भी? यस मैम। यस मैडम अभी ज्वाइन कर लो। ओके शालिनी शंभवी आप रेडी है ना क्वेश्चन के लिए? हेलो हेलो शालिनी यस सर हेलो सर ओके सो आप रेडी है ना? हेलो शालिनी again they exited. No, they are there, but their camera is off. No, they are there, but their camera is on. Chaliye, ask for team 5, then we can come back to team 4. Suvish. Hello, team 5, Jyoti and Agansha. Yes, are you able to hear me, Jyoti and Agansha? Yes, sir. So, Shambhavi and Shalini, जब वो एंट्री करेंगे तो हम उनके उनका क्वेश्चन उस समय पूछेंगे. अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ठीक है, सो टीम 5 क्वेश्चन गोज टू टीम 5 अगानशा एंड ज्योति. ओके
आकांक्षा ज्योति, आकांक्षा एंड ज्योति आप अनम्यूट करिए. ठीक है, सो योर क्वेश्चन इज, योर क्वेश्चन इज विच हॉर्मोन स्टिमुलेट्स द इजेक्शन ऑफ मिल्क. ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी डोपामाइन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन. सर ऑप्शन, योर आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन, ओके, लेट्स सी. ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन इज अ राइट आंसर. थैंक यू सर. ओके, आप माइक म्यूट करिए. नाउ टीम सिक्स, Pragya and Neha, are you able to hear me? Pragya, yes, and Neha, team 6. Yes, yes, Pragya, yes, and Neha. Yes sir. Which is the lulu? Pinch it, sir. Pragya and Neha. Yes sir. Pragya Srivastav and Neha, both are ready, no? Yes sir. Sir, pin. Okay, so Pragya and Neha, your question is, in what part of the breast is the milk actually produced? Option A, alveoli. Option B, the areola. Option C, the milk ducts. And option D, the Montgomery glands. ब्रेस्ट में कौन सा पार्ट में मिल्क एक्चुअली प्रोड्यूस होता है? जल्दी बता दीजिए आंसर, आपका टाइम जा रहा है. द मेंटोमेरी ग्लैंड्स. ओके, सो योर आंसर ऑप्शन डी. यस सर. यस, बट योर आंसर इज रॉन्ग. The right answer is alveoli. Okay, then actually round one is finished, but एक टीम के लिए हमने क्वेश्चन पूछा नहीं क्योंकि वो एक्सिट हो गया है नेटवर्क इश्यूज की वजह से. सो हम एक मिनट उनके लिए वेट करेंगे. शांभवी एंड शालिनी. Yes, sir. अच्छा, आप शालिनी एंड शांभवी आ गया? Yes, sir. Yes, sir. आपको okay, so your question is, breast milk is lack of which mineral? Calcium, option B iron, option C sodium, option D zinc. Breast milk is lack of which mineral? Jaldi bataiye answer. नहीं, नहीं, क्या पूछ रहा, मिनरल ना, मिनरल तो आयरन और जिंक का है, मिनरल तो आयरन ज्यादा होगा ना, आयरन ज्यादा होता है, जिंक नहीं होता है. चलो सर, आयरन, सर बी आउट हो गया है, 10 सेकंड है आपके लिए. नहीं, आप 10 सेकंड के बाद आंसर देंगे तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. हेलो, हेलो स्मिता मैम. यस सुविश. यस यस, दे एक्चुअली दे हैव गिवन आंसर बट दे टुक मोर देन अलॉटेड टाइम. फॉर नाउ यू गिव देम द मार्क्स. नेक्स्ट टाइम इफ दे आर डूइंग रिपीटिंग वी विल नॉट गिव देम द मार्क्स. फर्स्ट टाइम नो, वी विल गिव देम. Okay. Okay, let's see whether your right. answer is right or right? not. Yeah, yeah. So your answer, option B, iron, and it is right answer.
next time you have already network issue, that's what we are giving this excuse, but next time agar aap ek second bhi zyada lenge to aapka team ko disqualify kar denge. Shalini and Chambavi, okay? Okay, sir. Sorry, sir. Now round one is completed and team one, they scored 5 mark, team 2, 0 mark, team 3, 0 mark, team 4, 5 mark, and team 5, 5 marks, and team 6, 0 mark. So now we are moving to next round, round 2. Team 1, Nisha and Pooja, aapka mic jo hai wo unmute kariye, Nisha and Pooja. Sir, Nisha and yes, sir, we are here, sir. Okay. So Nisha and Pooja, second round mein aapka first question. Your first question is how to recognize that mother's milk is sufficient for babies after 15 days. Option A. Option B. Option C. Abdomen. The second day, aapke paas time, 10 second. Option A. Urine output and weight. So your answer is option A. So let's see what the answer is. Your answer is right. Option A, urine output and weight. So team A, again, they, you have scored 5 marks. Thank you, sir. Thank you. Now team 2. Anshu Yadav and Sri Devi. Aapka mic unmute kariye. Anshu Yadav and Sri Devi. Aap ready hai question ke liye? Anshu and Sri Devi. अंशु यादव, आपका कैमरा ऑन नहीं है क्या? अंशु, आप सुन सकता है क्या? आर यू एबल टू हियर मी? यस सर, यस सर, हियर मी. यार एबल टू हियर मी. आपका वीडियो ऑन है बेटा अंशु? अंशु, यस सर, आपका वीडियो ऑन है. वो कह रहे हैं वीडियो ऑन है लेकिन I am also not able to see you, Anshu and Sri Devi. Team 2. Sri Devi ka bhi video on nahi. Apna video on kar lijiye na, Sri Devi. Subhish, can you ask me to just check? What is Anshu and Sri Devi? I am not able to see them. They are there. I am not able to see them, madam. No, I can see Anshu is connected. And no, this one is connected. Sri Devi is connected. Anshu is. Anshu and Sri Devi, aap mera awaaz sun rahe hai kya? Go to the next team, then we'll come back to them. Okay. So Anshu and Sri Devi, they are not able to connect. So we are. I am going to ask questions to team 3, Antima and Roshni. Team 3, yes, Antima sir. And Roshni. Aap log ready hai? Yes, sir. Yes sir. Antima and Roshni. Okay, then aapka 10 second ke andar answer karna, theek hai? So aap yes, time jyada le raha hai kuch students to disqualify ho jayega. Theek hai, your question is
HI policy contains how many policies to support breastfeeding? Breastfeeding को support करने वाला कितना policies है BFHI में? Option A 8, option B 10, option C 12, option D 14. Option B. Option B. B. 10. Answer भी बता दीजिए. Answer B. Answer बता दीजिए. 10. 10. Okay, आप 10 बता दिया. Your answer is option B 10. So let's see what the actual answer is. So you said right answer option B 10. So आपको मिला है 5 marks. Thank you, sir. Team 3 scored 5 marks in this round. Now I am moving to team number 4. Shalini and Shambhavi. Yes, sir. Last time आप थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया था लेकिन इस टाइम कोई एक्सक्यूज नहीं होंगे. सी द क्वेश्चन एंड गिव आंसर इमीडिएटली. ओके ओके सर. ओके सो योर क्वेश्चन इज फॉर शांभवी एंड शालिनी. योर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर्स? 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour. हेलो रूम टेम्परेचर जल्दी बोलिंग टाइम 2 hours. सर 2 hours. ऑप्शन बी 2 hours. 2 hours. योर आंसर इज 2 hour isn't it? सो लेट्स सी. यस सर. द राइट आंसर इज 4 hour. सो योर आंसर इज रॉन्ग. So next team 5 Jyoti and yes, Agansha. आप लोग रेडी है ना? यस सर. सो बाकी स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट करिए और Jyoti and Agansha अपना माइक अनम्यूट करिए. एंड योर क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट important immunoglobulins and is found abundantly in breast milk? Option A immunoglobulin A, option B immunoglobulin A. Okay, your answer is your answer is option A immunoglobulin A. Yes sir. So let's see, your answer is right. Thank you. And you have scored 5 marks and total 10 marks. Next is 6 Pragya and Neha. Pragya Srivastava. Yes, and Neha. Aap ready hai na dono log? Yes sir. Yes sir. Okay, then the second milega question acche se dekho immediately respond karna, theek hai? And your question is option B chosen by HIV positive mother in India for feeding her baby. A exclusive breastfeeding, B exclusive formula feeding, C mixed feeding, that means both breastfeeding and formula feeding, D none of the above. In the option choose karenge breastfeeding ke liye. Jaldi bataiye. B exclusive formula feeding. Kaun sa bola aapne? B exclusive formula feeding. Exclusive formula feeding. So आपका answer option B है. So let's see. Your answer was wrong. Your answer is wrong. The right answer is option A exclusive breastfeeding. India में exclusive breastfeeding दे सकता है. So two rounds have been finished for all the group except Team 2, Anshu Yadav and Sridevi. Whether Anshu Yadav and Sridevi is able to hear me? Anshu Yadav and Sridevi connect ho gaye? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Aap sun sakta hai, but I am not able to see. Yeah, Sridevi. अपना वीडियो ऑन कर लो ना बेटा.
यस मैम ऑन नहीं है आपका वीडियो ऑन श्रीदेवी आप अपना वीडियो ऑन करिए क्वेश्चन फॉर टीम टू इज मैच्योर मिल्क स्टार्ट टू सेक्रेट यूजुअली हाउ मेनी डेज आफ्टर डिलीवरी ऑप्शन ए 5 to 10 days ऑप्शन बी 15 days option c 15 to 20 days option d 20 to 25 days sir first delivery ke baad mature milk kab se secret hona start karenge ha option ke sath answer bhi bata do 10 to 15 days 20 to 25 days second wala option 10 to 15 days Sir, okay, 10 option to 15 B. Days, second wala B. Your answer, option B, 10 to 15 days. And your answer is right. 10 to 15 days. So, two rounds have been finished. So, we will check the marks what you have scored in these two rounds. And team one, 10 marks. Team 2, 5 marks. Team 3, 5 marks. Team 4, 5 marks. And team 5, 10 marks. And team 6, 0 marks. So, team 6 is eliminated. And 3 teams, team 2, team 3 and team 4, you have scored same marks. Yes, sir. So just wait for 1 minute. We will discuss. We will discuss regarding the elimination of the teams who have scored same marks. After that, we will get back to you. So give me 1 minute. ओके हमने डिसाइड किया है एक्चुअली हमने कुछ रूल्स बताया था कि जो सेम नंबर स्कोर कर देंगे सो उन लोगों को हम एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें जो सही आंसर दे देंगे ऑप्शन नहीं रहेगा वो अंदर नेक्स्ट राउंड के लिए जाएगा लेकिन यहाँ पे थ्री टीम्स टीम टू टीम थ्री टीम फोर आप तीनों टीम 5 मार्क्स स्कोर किया है ठीक है लेकिन इसमें दो टीम्स रेस्पॉन्स थोड़ा लेट दिया था टीम 2 एंड टीम 4 इसलिए टीम 3 को हम इस राउंड में नहीं ले रहा हूं टीम 3 को अंदर कर दिया है क्योंकि वो करेक्ट टाइमिंग में आंसर दे दिया था इसलिए एक टीम बाहर गया है ऑलरेडी वो है टीम 6 अभी
टीम टू एंड टीम फोर के बीच में एक क्वालिफाइंग राउंड होंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, क्वालिफाइंग राउंड पास करना होगा आपको, ठीक है। टीम थ्री को भी 5 मार्क्स है, लेकिन वो लोग करेक्ट टाइम पे आंसर दिया था, सो दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड। इसलिए टीम वन क्वालिफाई किया है, टीम वन निशा एंड पूजा वो क्वालिफाई किया है। टीम थ्री एंटीमा एंड रोशनी, आप लोग 5 मार्क्स स्कोर किया है, लेकिन आप करेक्ट टाइम पे रेस्पॉन्स दे दिया, इसलिए आप लोग भी नेक्स्ट राउंड के लिए गया है। एंड टीम फाइव आप लोग क्वालिफाई किया हुआ है। टीम टू एंड टीम फोर, ये दोनों टीम को 5 मार्क है। सो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, जो सबसे पहले आंसर देंगे, करेक्ट आंसर देंगे, वो नेक्स्ट राउंड के लिए जाएगा। टीम सिक्स इज आउट ऑफ द कंटेस्ट, सो आप लोग अभी एक्सिट कर सकता है टीम सिक्स। प्रज्ञा एंड नेहा आप अभी एक्सिट कर सकता है कॉम्पिटिशन से। एंड कंग्रेचुलेशन फॉर योर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट टाइम आप फिर से ट्राई करना, बाहर मतलब एक्सिट होने से यू डोंट फील बैड, नेक्स्ट टाइम अच्छे से और ट्राई करना। नेहा एंड प्रज्ञा आप लोग अभी एक्सिट करिएगा। सो आई विल आस्क वन क्वेश्चन, सो आई विल आस्क वन क्वेश्चन टू टीम टू एंड टीम फोर। सो जो पहले आंसर देंगे सही आंसर, दे विल क्वालिफाई इन टू द नेक्स्ट राउंड। रेडी है आप लोग? टीम टू अंशु श्रीदेवी एंड टीम फोर शालिनी एंड शांभवी, आप रेडी है? ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाबा? WABA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाबा? WABA सर, 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 वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, सर, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। शालिनी एंड शांभवी आंसर दिया है ना? यस सर, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, देन यू हैव क्वालिफाइड इनटू द नेक्स्ट राउंड। एंड टीम टू आप लोग अभी बाहर जाना पड़ेगा। टीम टू अंशु एंड श्रीदेवी, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप लोग अच्छा से नेक्स्ट जो कॉम्पिटिशन है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर दीजिएगा। ओके, अंशु एंड श्रीदेवी, आप लोग कॉम्पिटिशन से अभी बाहर है, आप एक्सिट करिएगा अभी। अंशु एंड श्रीदेवी, वेदर दे हैव एक्सिटेड सर, अंशु एंड श्रीदेवी। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड, राउंड थ्री। And in this round, we will ask one question to the team, one question. And those who are not giving correct answer, two teams will be eliminated out of four team. Now we have four team. So after this round, we will eliminate two more teams. And yeah, one question will be asked in this round. Excuse me, I'd like to include that if the students are not answering on time, aap log answer on time nahi kar rahe hain, to disqualify turant ho jayenge. So ye yaad rakhiye, you will have options aur isme kuch students 10 seconds se zyada le rahe hain, aapko discussion karne ke liye time nahi hai jata, theek hai, to aap jaldi answer de dijiyega, time ka excuse bilkul nahi milega Shalini and Shambhavi ka. Already we have given one excuse. Okay. Yes, so, sir. We are moving to the next round. Team one, Nisha and Pooja. Yes, sir. And team three, Antima and Roshni. Team four, yes, sir, Shalini and Shambhavi. And team five.
निशा एंड आप आपका माइक जो है So we are moving to the round three. Yes, sir. And team one, your question is the milk which follows the milk which follows the colostrum during postnatal period is called A. Hind milk, B. Transitional milk, C. Mature milk, D. Fore milk. Sir, option B, sir. ऑप्शन बी सर ऑप्शन आंसर भी बता दीजिए ट्रांसिशनल मिल्क सो टीम वन आंसर इज ऑप्शन बी ट्रांसिशनल मिल्क सो लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर इज एंड योर आंसर इज राइट ऑप्शन बी ट्रांसिशनल मिल्क थैंक यू सर नेक्स्ट क्वेश्चन टीम थ्री एंटीमा एंड रोशनी यस सर माइक अनम्यूट है ना यस सर तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज हाउ ऑफन शुड न्यू बॉर्न ब्रेस्ट फीड वन आवर ऑप्शन बी टू आवर ऑप्शन सी एज पर शेड्यूल्ड टाइम टेबल डी व्हेन एवर बेबी क्राइज वन आवर ऑप्शन बता दीजिए आपका वन आवर ओके ऑप्शन है वन आवर सो योर आंसर इज ऑप्शन है वन आवर लेट्स सी व्हाट द आंसर इज सो योर आंसर इज रॉन्ग द राइट आंसर इज ऑप्शन डी व्हेनेवर बेबी क्राइज Next question, team number four, Shalini and Shambhavi. Ready hai na aap log? Yes, sir. Yes, sir. And your question is, what is the calorie requirement of newborn? Newborn ka calorie requirement kitna hai? Option A, 50 to 100 kilocalorie. Option B, 100 to 150 kilocalorie. Option C, 150 to 200 kilocalorie. Option D, 200 to 250 kilocalorie. Sir, option C. No, sir. Option C, 150 option C, to 200 kilocalorie. Sir, option C. They are feeling, wrong. The right answer, option B. The right answer option B 100 to 150 kilocalorie. Next team number 5. Yes, sir. Jyoti and Agansha. Ready? No, Jyoti and Agansha. Yes, sir. Okay, your question is, what nutrient is more in Hind milk? Option A, protein. Option B, glucose. Option C, fat. Option D, fluid. Fat, sir. The fat, sir. Fat. Option C, fat. Option C, fat, sir. Option C, fat. Okay. Yes, sir. So your answer is option C, fat. And the right answer is option C, fat. Thank you, sir. So third round also is finished. So let's see the total mark the teams have scored. Team number one, Nisha and Pooja, you have scored 5 marks. Team number three, Antima and Roshni, no marks. Team number four, Shalini and Shambhavi, no marks. And team five, Jyoti and Agansha, you have scored 5 marks. So, two teams will be eliminated in this round, and those two teams are team 3 and team 4. So, team 3 and team 4 ka abhi elimination hona hai. So, don't be sad. Aap acha se participate kiya hai.
नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में अगेन पार्टिसिपेट करना और अच्छा से ओके. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड. सो उसमें टू क्वेश्चन में जो ज्यादा मार्क्स स्कोर कर देंगे वो विनर रहेगा. ओके एंड टीम वन ज्योति एंड आकांक्षा आप दोनों रेडी है ना. यस सर. एंड योर क्वेश्चन इज milk is poor source of vitamin. Option A vitamin A, option B vitamin C, vitamin D, option D vitamin E. आप ऑप्शन एंड आंसर बता दीजिए. ऑप्शन एंड आंसर करेक्ट. विटामिन ई. दो दो आंसर बता रहे हैं. फाइनल आंसर बताइए. विटामिन डी मैम. अब दो नाउ वी कैन नॉट टेक योर आंसर. देन दो आंसर कैसे दे सकते. एक डी बता रहा है एक ई बता रहा है. So this answer will not be considered. Okay. Yeah. We cannot consider your answer. One is giving option A and another is giving option D. No. And timeout. C and D. They are giving C and D. C and D. लेकिन time भी हो चुका है मैडम. 10 seconds से ज़्यादा हो गया. Okay. Anyway, we will see the answer. Answer is vitamin D. Option C. ये तो आपने बताया नहीं था ऑप्शन. आपस में झगड़ा करने का भी जरूरत नहीं है. बताया था. अच्छा बता. एक लोग डी बता रहे हैं एक लोग ई बता रहे हैं. सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस आंसर. सो वी विल कंसिडर योर आंसर इज रॉन्ग. ओके सो इट्स ओके नो प्रॉब्लम. अगले अभी एक और राउंड है. सो आप जब क्वेश्चन देखने के लिए एक सेकंड लगता है तो 3 सेकंड आप डिस्कशन भी कर सकता है उसके बाद आंसर दे दो. ठीक है. सो फोर्थ राउंड इज फिनिश्ड. वी आर मूविंग टू द फिफ्थ राउंड. सो निशा एंड पूजा टीम वन 5 मार्क्स स्कोर किया है एंड टीम फाइव अभी आपका आंसर कंसिडरेबल नहीं है इसलिए आपका मार्क्स 0 है. सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड फिफ्थ राउंड. So first question will goes to Nisha and Pooja. Ready enough? Yes, team one. Yes, and your question is how many extra calories do breastfeeding mothers burn each day? Option A 200 to 500 kilocalorie. Option B 300 to 1600 kilocalorie. Option C 800 kilocalorie. Or 800 kilocalorie to 1200 kilocalorie. And option D 25 to 75 kilocalorie. So give me your answer. Option A. 200 to 500 kilocalorie. 200 to 500 kilocalorie. So this is your answer. So let's see what the right answer is. And your answer is right. Option A. 200 to 500 kilocalorie. So actually we can announce the winner now because आप लोग 10 mark score किया है. अगर आकांक्षा और ज्योति अगर score भी करेंगे तो भी 5 mark ही होगा. फिर भी we will go for the questions. क्वेश्चन ओके. तो
Akansha and Jyoti. Yes, sir. Your question is, milk ejection from the gland is also called A, rooting reflex, B, sucking reflex, C, extrusion sir, reflex, D, let down reflex. Option D, let down reflex. So the answer is right, option D, let down reflex. Okay, so team 5, Jyoti and Akansha, you have scored 5 marks out of 10, and team 1 scored 10 marks. So the winner is team 1, Nisha and Pooja. And second prize goes to Jyoti and Akansha, team 5. आप दोनों टीम बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है. एक्चुअली आंसर सही भी था आपका, जिन्होंने एक आंसर बताया था, बट ये सब हो जाता है कॉम्पिटिशन में, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है. और आप दोनों अलग अलग जगह में बैठा है, आप दोनों लोग निशा और पूजा पास में बैठा है, तो बहुत जल्दी डिस्कशन भी कर सकता है, लेकिन आप लोग पास में नहीं है, इसलिए आप दोनों का गलती नहीं है. ऐसा मत सोचिए कि वो सही आंसर दिया मैंने गलत, ये मत सोचिएगा कि इसमें केवल एक प्रॉब्लम है, आप साथ में नहीं बैठा है बिकॉज ऑफ द वट एवर द सर्कमस्टेंसेस. अगर आप साथ में बैठा होता तो ये आंसर सही निकलता, तो हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना. आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है दोनों टीम, लेकिन निशा एंड पूजा आप इसमें फर्स्ट आया हुआ है. कंग्रेचुलेशन फॉर द विनर्स एंड रनर्स अप, दोनों के लिए कंग्रेचुलेशन. थैंक यू. नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम मणिमेखला मैम, मिसेस मणिमेखला मैडम, प्रिंसिपल SCPM College of Nursing, to share a few words with us. Respected chief guest, special guest, and my dear friends, students, good evening to all. Good evening, ma'am. First of all, I congratulate all the participants. Everyone enthusiastically participated at the again, I congratulate the winners, Nisha and Pooja. Thank you, ma'am. I thank the organizers and all the staff members. Thank you all. Now, I would like to invite Professor Smita Philip, ma'am, Vice Principal, to share a few words with us. Thank you, Mr. Suresh. I'd like to congratulate all the participants. I'd like to thank the management for giving us an opportunity to organize the World Breastfeeding Week programs. Bina unke support ke, bina management ke support ke, bina unke motivation pe, hum sab log kuch nahi kar sakte. Kya hai, teachers ho ya students ho, ye opportunity dene ke liye management ko, slide under the ko hum sab ke taraf se tehe dil se shukriya ada karna chahte hain. And as far as the participants are concerned, see, winning and losing is secondary. Jeetna aur haarna is secondary. Participation is very important. So I'd like to congratulate all the participants who actually made this program a grand success. And I congratulate and thank all the organizers for beautifully organizing and executing this EQUIS program in spite of all the hardships we are going through. Even the students, connection problem ho sakta hai, technical problem ho sakta hai. In spite of all that, all the teachers behind the, you know, this program, I'd like to congratulate them and thank them for wonderfully organizing and executing this program. Thank you. And thank you for the opportunity, giving me this opportunity to share a few words. Thank you so much. Okay, thank you, ma'am. I would